अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफकात अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू। आज हमने एक बायोग्राफी करनी है तरीके आज़ादी के एक मुतहरिक कारकुन सैयद अमीर अली की। तो सैयद अमीर अली 6 अप्रैल 1849 में दरिया हैगली के किनारे एक गांव चंसोरा में पैदा हुए। आप एक होनहार और ज़हीन तालिब इल्म थे। ये आपकी लियाकत ही थी जिसके सबब आप सरकारी वजीफे पर इंग्लिस्तान में जाकर तलीम हासिल करने में कामयाब हुए। वहाँ से बैरिस्टर बनकर वतन वापस आने के बाद कलकत्ता में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की। आपने तलीमी और सियासी मैदान में मुसलमानों की खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर दिया। सो इस तरह की बहुत सी मालूमात मुंतज़र है आपकी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहे। तो सैयद अमीर अली 6 अप्रैल 1849 को बंगाली गाँव चंसोरा में पैदा हुए और आप एक पोलिटिकल लीडर होने के साथ साथ मुस्लिम हिस्ट्री एंड मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ लाइफ पर बहुत सी अच्छी किताबों के मुसन्नफ भी थे। तो सेंट्रल नेशनल मुहम्मदन एसोसिएशन की बुनियाद भी सैयद अमीर अली ने रखी और ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। इसकी बुनियाद 1877 को कलकत्ता में रखी गई। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको हिंदुस्तान के मुसलमानों का पहला लीडर बना दिया, जो ये समझते थे कि आज़ादी के लिए अकेले जदोजहद करने से बेहतर है कि किसी तंजीम के ज़रिए कोशिश की जाए, क्योंकि ये अमल ज़्यादा मौसर और इफ़ेक्टिव रहेगा। तो सेंट्रल नेशनल मुहम्मदन एसोसिएशन को आपने द मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिक्स नहीं करना। ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं। द मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद 1886 को सर सैयद अहमद खान ने रखी और सेंट्रल नेशनल मुहम्मदन एसोसिएशन की बुनियाद सैयद अमीर अली ने 1877 को कलकत्ता में। फाउंडिंग मेम्बर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद 30 दिसंबर 1906 को ढाका में रखी गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर था वो लखनऊ था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानी मेंबरों में से सैयद अमीर अली हैं। तो सैयद अमीर अली ने लंदन मुस्लिम लीग 1908 में एस्टेब्लिश की। तो ये जो मुस्लिम लीग थी, इसका जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उससे कोई कंसर्न यानी कोई तल्लक नहीं था, यानी कि ये एक इंडिपेंडेंस लीग थी। और सैयद अमीर अली ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से 1913 में रिज़ाइन किया। ये वो सन था जिस सन में बाबा कौम फ़ख्र पाकिस्तान कैदर मोहम्मद अली जन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। तो इन्होंने ये कहकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से इस्तीफ़ा दिया क्योंकि पार्टी की कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं। तो 1909 में ये प्राइवी काउंसिल के मेंबर बने और फिर ये अपनी वफात यानी 1928 तक प्राइवी काउंसिल के रुकन रहे और ये पहले हिंदुस्तानी थे जो प्राइवी काउंसिल के मेंबर बने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी ला मेंबर, तो उसके ये भी रुकन बने और ये दूसरे हिंदुस्तानी थे जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हुए। तो ये पोस्ट इनको 1910 में मिली। तो 1920 के दौरान जब तरीके खिलाफत अपने अरूज पर थी, तरीके खिलाफत 1919 में स्टार्ट हुई और इसका इख्तिताम हुआ 1924 को। तो सैयद अमीर अली ने इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि तरक्की के मुतल्लिक जो हिंदुस्तानों के मुसलमानों का एक जज्बाती नुक्ता नज़र था, उसको बरतानवी हुकूमत का सामने बहुत अच्छे तरीके से रखा और अपनी सारी ज़िंदगी ये एक माहिर कानून और अच्छे आलमे दीन के तौर पर जाने गए हैं। तो इनकी जो वफात हुई है वो 4 अगस्त 1928 को हुई है और बरतानवी शहर सिसिक्स में इनकी वफात हुई है और इनको जिस कब्रिस्तान में दफनाया गया है उसका नाम ब्रोकवुड कब्रिस्तान है। इनके आनर में बांग्लादेश की जो दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ राजशाही, उसका एक हाल जो कि सैयद अमीर अली के नाम से मंसूब है जिसका नाम सैयद अमीर अली हाल रखा गया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी उनकी याद में यादगारी टिकट जारी किए। ये यादगारी टिकट्स क्वेंस पॉइनर्स ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी के अलमदारों के नाम से जारी किए गए और ये यादगारी टिकट 1990 में जारी किए गए जिसमें सैयद अमीर अली की जो खिदमात थी पाकिस्तान के हवाले से या तरीके आज़ादी के हवाले से उनको नमाया किया गया। तो इनकी जो मशहूर ज़माना किताब है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम या रूह इस्लाम, तो सीरत नबवी और तारीख़ इस्लाम के मुताले के लिए किताब रूह इस्लाम को एक अच्छी मुस्तनद और बेहतरीन ज़रिया इल्म समझा जाता है। ये आप यूँ भी कह सकते हैं कि सीरत नबवी और तारीख़ इस्लाम के मुताले के लिए ये एक बेहतरीन इंतखाब है
तो द स्पिरिट ऑफ इस्लाम सैयद अमीर अली ने रखी है, और ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ द सैरासंस तो ये भी एक मशहूर ज़माना किताब है जिसके मुसन्निफ सैयद अमीर अली हैं। तो इस किताब में सिलसिलावार अरब अकवाम के खाना बदोशों की माशी माशरती और अकली कुवतों के बयान के साथ साथ इनके रुजो ज़वाल को भी हाथा में समेटे हुए है। तो ये एक अच्छी किताब है मुसलमानों के रुजो ज़वाल की। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। इस्लाम के नाम से इन्होंने किताब लिखी है, फिर द एथिक्स ऑफ इस्लाम के नाम से भी इनकी किताब मौजूद है, फिर द लाइफ एंड द टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद तो ये किताब लिखी गई है, स्टडी इन रिप्लाई टू यूरोपियन राइटर्स तो यूरोपियन राइटर्स के मुकाबले में ये किताब लिखी गई है। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि बरसकीर की तारीख पाकिस्तान में इनका एक अहम करदार था जो कभी फरमोश नहीं किया जा सकता। इन्होंने हर महाज पर मुसलमानों की नुमाइंदगी की। अल्लाह पाक इन पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल करे, आमीन। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।